आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक ऐसा वेट लॉस डाइट प्लान जिसमें आप सब कुछ खाएं फिर भी आपका वजन कम होगा। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। अच्छा, आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा अपना वेट लॉस डाइट प्लान जिसमें आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन फिर भी आपका वज़न कम होगा, और कैसे कम होगा यही मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, और इस आपको पता है कि इस वेट लॉस प्लान की सीरीज़ की एक वीडियो मैंने पहली वीडियो आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना वज़न कम करें, इस तरीके से कि जिसमें आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट भी मिले, आप हर चीज़ खा सकें उसके बावजूद भी आपका वज़न कम हो और आपकी बॉडी वीक भी ना हो, चिड़चिड़ापन भी ना हो और एनर्जी लेवल जो है वो हमारा वो भी हाई रहे। इस वेट लॉस सीरीज़ की दूसरी वीडियो मेरी थी फैट बर्निंग ड्रिंक मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि वो तीन ड्रिंक्स जो हैं वो मेरे वेट लॉस डाइट प्लान में बहुत 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 हेल्पफुल साबित होती हैं। तो ये दो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखी हैं तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, और जो जो मेरे साथी हैं जो वज़न कम करना चाहते हैं वो यकीनन उन्होंने देख लिया होगा और अपनी अपनी कैलोरीज भी मालूम कर ली होंगी। और वो फैट बर्निंग ड्रिंक्स जिसको मैंने कुछ दिन पहले से ही पीना शुरू करने के लिए आपको कहा था, तो वो आपने पीना शुरू कर भी दिया होगा। अक्सर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होगी कि हम कुछ भी कर लेते हैं हमारा वज़न कम नहीं होता, या कुछ महीनों के बाद वज़न रुक जाता है उसके बाद कम नहीं होता, तो उसकी क्या वजह है ये भी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। जनरल रूल ऑफ थम है कि 70-80% जो है वो हमारी डाइट रोल प्ले करती है हमारे वज़न को बढ़ाने में या कम करने में, लेकिन जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे अपनी उतना ही हम अपनी कैलोरीज़ को बर्न भी करेंगे, तो एट द सेम टाइम ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन क्योंकि आज की वीडियो जो है वो सिर्फ डाइट प्लान पर फोकस करूँगी मैं, तो सबसे पहली बात यह है कि कभी भी इस बात पर शर्म महसूस नहीं कीजिएगा कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आपको रातों रात उसको कम करना है, क्योंकि आपके वज़न को कम करने से कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। यकीनन हम सब की ख्वाहिश होती है कि हमारा वज़न कम हो, लेकिन वज़न कम सिर्फ ख्वाहिश से नहीं होगा, ये आपको तय करना पड़ेगा कि वज़न को कम करने के लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, यानी कि एक पक्की नीयत ज़रूर बनानी है कि हमें काम करना है। कोई बात नहीं कि वज़न कम ना हो, अनलेस कोई अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऑलरेडी हॉर्मोन्स का कोई इशू चल रहा हो या कोई ऐसी मेडिकेशन आप ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके वज़न कम नहीं होगा, तो उसके लिए प्लीज़ पहले आप अपने, अगर ऐसा कोई इशू है किसी के साथ तो आपके ये एफ़र्ट्स ज़ाया जाएंगे वज़न को कम करने के, तो आप प्लीज़ अपने प्रोफेशनली डॉक्टर से मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा कि आपको उस अंडरलाइन प्रॉब्लम को कैसे पहले सॉल्व करना है और फिर डाइट प्लान अपने लिए बनाइएगा। लेकिन अगर के वैसे आपको साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर यकीनन वज़न को अगर प्रॉपर तरीके से कम करें तो 1-2 पाउंड हफ्ते में आप आराम से कम कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ 2 पाउंड से ज़्यादा कम करना बहुत बहुत अनहेल्दी चीज़ होती है। तो आप बेस्ट तरीका ये होता है कि जो भी आप खाना खा रहे होते हैं उसका डेली थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते 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 आप लो कैलोरी डाइट प्लान पर आएँ, तो फिर वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होगा और आपका वज़न एक जगह पे रुक नहीं जाएगा। वरना एकदम से जब आप अपना वज़न को कम करेंगे, कैलोरीज 4000 कैलोरीज से एकदम से 1000 कैलोरीज पर आ जाएंगे, तो हमारी बॉडी हमसे ज़्यादा चालाक होती है और हमारी बॉडी जो है ना वो सोचती है कि अब तो मुझे कैलोरीज कम मिल रही हैं, मुझे ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए तो कैलोरीज चाहिए, तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि मैं मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर लेती हूं ताकि मैं कैलोरीज बहुत स्लो बर्न करूं ताकि मैं एटलीस्ट ज़िंदा तो रहूं। तो ये बॉडी का पूरा एक नेचर का एक मिरेकल है जिससे हमें मैस नहीं करना चाहिए उसको, और उसकी वजह से हमारे हॉर्मोन्स बहुत इम्बेलेंस हो जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, और स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से हम कुछ भी खा लें, कितना ही कम खा लें, उस पर आके हमारा वज़न रुक जाएगा और मज़ीद उससे हम कम जा नहीं सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ज़िंदा रहना होता है और वो बहुत अनहेल्दी होता है, हमारी पूरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। 3500 कैलोरीज 1 पाउंड वज़न के बराबर होती हैं, यानी कि अगर आपने रोज़ थोड़ा थोड़ा कम खाया तो एट द एंड ऑफ द वीक आपने
एक पाउंड वज़न आराम से कम कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपना मीठा वेल करें, आप हर चीज़ खाएं मॉडरेशन के साथ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। मैं इसी तरह से करती हूँ, तो मुझे कभी किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती, मुझे ये नहीं लगता कि मैंने अपने आप को किसी चीज़ से भी डिप्राइव रखा है। मैं हर चीज़ खाती हूँ, अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी नेमतें हमारे लिए हैं, हमें सब कुछ इन्जॉय करना चाहिए। यह है कि जो मैं आज अपना वेट लॉस प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं लेना है। जो आप घर में पकाते हैं, खाते हैं, जो भी, उसी में से आपको बैलेंस करके खाना है, तो वो आपकी एक पूरा प्लान बन जाएगा, वेट लॉस प्लान। अच्छा, मुझे जो है वो वज़न को अगर मुझे मेंटेन रखना है तो अराउंड 1800 समथिंग कैलोरीज की ज़रूरत होती है। मुझे अगर अपना थोड़ा सा वज़न कम करना होता है तो मुझे 1500 कुछ 1500 प्लस कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, और अगर मुझे अपना वज़न कम ज़्यादा कम करना होता है तो मुझे 1300 प्लस कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये मेरी कैलोरीज़ थी जो मैंने वो जो पहली वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने कैलकुलेटर में अपनी कैलोरीज़ मालूम की थी। तो इस तरह से आप अपनी कैलोरीज़ मालूम कर लीजिएगा, और बेसिकली ये होता है कि अगर आपको अपने वज़न को मेंटेन रखना होता है तो जो कैलोरीज़ आपको नज़र आती हैं उससे आपको डेफिसिट में जाना पड़ता है, यानी कि कैलोरीज़ को कम करना पड़ता है तभी आपका वज़न कम होता है। तो अगर आपको वेट को मेंटेन रखने के लिए कुछ कैलोरीज़ नज़र आएंगी अपने लिहाज से, वेट को कम करना है थोड़ा सा तो कुछ कैलोरीज़ नज़र आएंगी, ये क्योंकि मेरा प्लान है तो ये ज़रा डिफरेंट कैलोरीज़ हैं, और अगर आपको वेट लॉस करना है प्रॉपर तो आपको डिफरेंट कैलोरीज़ नज़र आएंगी। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम वेट लॉस में 1200 से कम कैलोरीज़ नज़र आए तो उसकी तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि 1200 से कम कैलोरीज बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी होती है। लेकिन अगर आपको अपने वेट लॉस प्लान में एक्सट्रीम वेट लॉस में 1200 से ज्यादा कैलोरीज नजर आए तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके हफ्ते में 2 पाउंड वजन आप कम कर सकते हैं, और 3 महीने अगर आपने अपने एक्सट्रीम वेट लॉस प्लान को फॉलो किया तो फिर आप आराम से 12 kg वजन कम कर सकते हैं। अब ये क्योंकि देखिए मेरा वेट लॉस प्लान है तो ये 1332 कैलोरीज आपको नज़र आ रही हैं, जो कि आज मैं अपना डाइट प्लान जो आपके साथ शेयर करूंगी उसकी कैलोरीज 1300 प्लस कैलोरीज हैं। लेकिन अगर आपको वेट लॉस के लिए इससे ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत हो तो आप मेरे जो डाइट प्लान है उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से कैलोरीज को आपको बढ़ाना है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना क्या कुछ खा रही होती हूँ, जो कि 1300 समथिंग कैलोरीज होती हैं। लेकिन मशवरा मेरा ये होगा, ग्रेजुअली अपनी कैलोरीज़ को कम कीजिएगा, वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखेंगे, एकदम से कम पर नहीं आइएगा। अच्छा, तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं या तो कभी चाय पी लेती हूँ या कभी मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक छोटा सा ग्लास पी लेती हूँ जूस का, तो वो एक ही सिमिलर कैलोरीज मुझे मिल जाती हैं उसमें। तो आपको नज़र भी आ रहा है कि एक कप चाय में कितनी कैलोरीज हैं। आप चाहें तो जो जो मैं शेयर कर रही हूँ चीज़ें उनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ब्राउन शुगर अगर चाय में डालकर पीने के आदि हैं तो 1 teaspoon मैं नॉर्मली कभी डाल के पीती हूँ, या हनी मैं यूज़ कर लेती हूँ, या गुड़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 teaspoon। अगर आपने ये टीस्पून माइनस कर लिया तो सपोज़ आप चार्ट में देख सकते हैं कि कितनी आपकी कैलोरीज जो है वो माइनस हो सकती है, तो अराउंड 16-20 कैलोरीज जो हैं वो आपकी शुगर से माइनस हो सकती हैं। तो यही कैलोरीज आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप अपनी वेजिटेबल खा सकते हैं। तो आज का जो मेरा डाइट प्लान है उससे आपको ये एक आइडिया मिलेगा कि मैं जो जो चीज़ें खाती हूँ उनमें कितनी कितनी कैलोरीज हैं, उस तरह से आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना डाइट प्लान आराम से बना सकते हैं। उसके बाद जब नाश्ता करने लगती हूँ मैं, तो उसमें मैं जो फैट बर्निंग ड्रिंक है वो 15 मिनट पहले नाश्ते से पीती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ये भी एक लॉजिक बताऊँ कि कुछ कमेंट्स ये आ रहे थे कि हर चीज़ खाने से पहले क्यों, खाने के बाद क्यों नहीं पी जा सकती ये ड्रिंक्स। तो देखिए, खाने से पहले ये मैं साइंटिफिकली जो प्रूवन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो फैट बर्निंग जो ड्रिंक्स पहले पी जाती हैं खाने से, ये होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो हम समटाइम्स, आपने देखा होगा, ओवर ईटिंग हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो पेट भर जाता है वो सिग्नल हमारे माइंड तक पहुंचते पहुंचते 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और उस दौरान हालांकि पेट हमारा पहले ही भर चुका होता है लेकिन वो सिग्नल माइंड तक नहीं पहुंचता है और हमें लगता है कि हमारा पेट नहीं भरा है, और हम खाते जाते हैं और हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब माइंड तक वो सिग्नल जाता है तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। तो अगर आप नाश्ते से या खाने से या रात के खाने से पहले 15 मिनट पहले ड्रिंक पियेंगे तो वो आपका जो स्टमक है वो थोड़ा सा फिल हो चुका होगा, और जब आप फिर खाना खाएंगे तो आप, जब आपका पेट थोड़ा सा भरने वाला होगा उसी वक्त, उससे पहले ही आपके माइंड को ये सिग्नल चला जाएगा कि आपका पेट अब भर चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी
ड्रिंक से भरा हुआ होगा, तो इस तरह से आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे, तो और आपको क्रेविंग भी नहीं होगी ज़्यादा खाने की। तो ये बहुत एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि अगर वेट लॉस करना है तो इन फैट बर्निंग ड्रिंक्स को पहले पीना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं सुबह नाश्ता करती हूँ तो नॉर्मली मैं समटाइम्स अंडा खाती हूँ, समटाइम्स मैं ब्रांड सीरियल खाती हूँ, तो मैं दोनों ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं नाश्ते में कोशिश करती हूँ कि मैं प्रोटीन ज़रूर लूँ, तो उसमें अंडा मेरा नॉर्मली होता है कि मैं बॉयल अंडा खा लेती हूँ, कभी नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में बना के खा लेती हूँ, और कभी ऑमलेट बना लेती हूँ तो उसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ ऑमलेट। उसके साथ अगर मैं एक रोटी खा रही हूँ, पतली सी मीडियम साइज़ की रोटी, मेक श्योर कि बहुत बड़ा पराठा ना हो, ऑयल वॉइल वो पराठा ही 500 कैलोरीज ले जाता है, तो एक रोटी होती है या तो होल व्हीट की रोटी या तो फिर होल व्हीट के दो स्लाइसेस खा लेती हूँ, और साथ में मैं लो फैट दही ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि जो हमारा खाना होता है उसको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी मैं शेयर करती हुई चलूँ आपके साथ कि जो बैलेंस हेल्दी डाइट प्लान जो होता है उसमें पांच जो मेन ग्रुप्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़िंदा रखने में और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फराम करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी आपको नज़र आ रही है। वो जो हेल्दी प्लेट, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हों, और उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, और साथ साथ जो है 8 से 10 ग्लासेस पानी ज़रूर पिए, क्योंकि वेट लॉस के लिए पानी और फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। कभी मेरा मैं ब्रांड सीरियल जो होल व्हीट सीरियल्स होती हैं वो दूध में डालकर खाती हूँ, कुछ फ्रूट्स डाल लेती हूँ उसमें, और तो थोड़ा सा चेंज करके मैं खाती हूँ, लेकिन सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर कैलोरीज में ले रही होती हूँ। तो इससे एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको वेट लॉस के लिए इससे ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है तो आप थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर लें, एक के बजाय दो रोटियां खा लें, एक अंडे के बजाय दो अंडे खा सकते हैं, या आप जो भी चीज़ें बढ़ाएं थोड़ी सी, तो आपके किस तरह से कैलोरीज को मैनेज करें। 10 बजे 11 बजे एक मॉर्निंग स्नैक खाती हूँ, स्नैक में मैं फ्रूट लेना पसंद करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक उससे फाइबर भी मिलता है, उससे मुझे थोड़ी एक शुगर की वो भी क्रेविंग कम हो जाती है, और हर फ्रूट में डिफरेंट थोड़ी सी कैलोरीज होती हैं, तो वो भी मैं शेयर कर लेती हूँ चार्ट आपके साथ, ताकि आप अपनी पसंद का फ्रूट जब खाएं तो आपको पता हो कि अगर आपको 100 कैलोरीज फ्रूट से लेनी है तो आप सपोज़ अगर गुआवा खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, उसमें कम कैलोरीज हैं, तो उसके साथ आपने एक एप्पल खा लिया, दो फ्रूट्स भी खा सकते हैं आप, अगर केला खा रहे हैं या आम खा रहे हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो फिर आप एक फ्रूट खाएं, तो उस लिहाज से आपको आसानी हो जाएगी। जब लंच करने लगती हूँ अराउंड 1 से 2 बजे के दरमियान, तो मैं उससे 15 मिनट पहले अपनी जो प्री लंच मेरी ड्रिंक होती है, जो मैंने 3 फैट बर्निंग लंच ड्रिंक्स मैं आपके साथ शेयर की थी, तो उनमें से जो चिया सीड वाली ड्रिंक जो है वो मैं पीती हूँ अपने लंच से 15 मिनट पहले। उसके बाद लंच में भी मेरे दो ऑप्शंस होते हैं, समटाइम्स मैं अपनी सालन सब्जी, डिपेंड करता है कि उस दिन मैंने अगर अंडा खाया है सुबह में तो दोपहर में मैं कोई सब्जी खा लेती हूँ, या जिस दिन मैंने ब्रांड सीरियल होल व्हीट सीरियल दूध के साथ खाई है तो उस दिन मैं अपनी जो है वो कोई प्रोटीन खाना चाहती हूँ, कोई फिश हो गई, चिकन हो गया कुछ ऐसी, या बीन्स हो गई या मटर वगैरह जिसमें प्रोटीन होते हैं, तो वो मैं खाती हूँ। रोटी एक मैं लेती हूँ, या तो दो स्लाइसेस हो जाते हैं होल व्हीट रोटी के, चावल हो गए थोड़े से जो बॉइल्ड और स्टीम चावल होते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इतने हो, सालन या सब्जी या जो भी आप खा रहे हैं वो इतना हो कि वो कटोरी या जो वो छोटा सा प्याला है वो आपकी हथेली से बाहर ना जाए, वो प्याला इतना हो, तो उसमें ये जो, क्योंकि मेरी जो कैलोरीज हैं वो मैं एक जनरल रूल ऑफ थंब के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको आसानी हो कि आपने थोड़ा सा खाना है, सब कुछ पोर्शन को कम करना होता है बेसिकली। आप जो घर में खाते हैं वो ही खाएं, उसमें से सिर्फ जो भी सालन सब्जी जो खा रहे हैं ऑयल बिल्कुल हटा दिया करें, और साथ में जो है वो एक बड़ी सी प्लेट मेरी सैलेड की ज़रूर होती है, मस्ट होती है, तो जितना मेरा खाना होता है उतनी ही डबल मेरी, उससे भी ज़्यादा बड़ी मेरी सैलेड सब्जियों की और जो वेजिटेबल्स कटी हुई होती हैं जो भी वो होती है, और उसमें थोड़ा सा नींबू छिड़क देती हूँ, हल्का सा नमक और काली मिर्च, मज़ेदार टेस्टी सैलेड बन जाता है मेरा। और उस सैलेड में जो है मैं वो हैवी सी ड्रेसिंग नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो ड्रेसिंग ही इतनी ज़्यादा होती है कि जितना सैलेड का भी की कैलोरीज नहीं होती है, उतनी ड्रेसिंग की हो जाती है। तो सिंपल और नेचुरल फॉर्म में खाना बहुत अच्छा होता है, उससे आपको हेल्दी कैलोरीज मिलेंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पी रहे होते हैं, डाइट ड्रिंक्स जो पी रहे होते हैं, हम समझते हैं कि उससे हमें कैलोरीज तो मिलेंगी नहीं, तो वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो तो पी लेनी चाहिए, लेकिन वो हमारे मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम उसको कहा जाता है, कि हमारे माइंड को वो रॉन्ग सिग्नल्स देती हैं, क्योंकि जब हम वो ड्रिंक पीते हैं तो हमारे टेस्ट बड्स को लगता है कि वो मीठी है, और वो फौरन से हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि मीठी चीज़ कोई बॉडी में आ रही है, तो इंसुलिन
जो होता है जो शुगर को रेगुलेट करता है हमारी, वो हार्मोन जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस करता है तो एक्चुअली वो कैलोरीज तो होती नहीं है जो हम ले रहे होते हैं, तो बॉडी फिर बेचारी परेशान हो जाती है कि हो क्या रहा है, मैं तो समझी कि कैलोरीज आ रही हैं तो मैंने तो इंसुलिन प्रोड्यूस किया, तो अब कैलोरीज तो मुझे मिली नहीं बॉडी के लिए, तो फिर आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की, चीज़ें खाने की, ओवर ईटिंग की। तो इस तरह से हमारी बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो डाइट वाइट होती हैं ये भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं, कभी कभी तो चल जाता है लेकिन ज़्यादा उसको नहीं पीना चाहिए, बॉडी बेचारी परेशान हो जाती है, रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं, फॉल्स सिग्नल्स माइंड। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कभी मैं चिकन हो गया, फिश का पीस हो गया, उसके साथ जो है वो वेजिटेबल्स की बड़ी सी प्लेट, सौते वेजिटेबल्स हो गई या स्टीम वेजिटेबल्स हो गई, और या उसके साथ पास्ता हो गया छोटा सा प्याला, या छोटे से प्याली में बॉइल्ड या स्टीम राइस हो गई, या जो मैं चिकन और फिश का जो पीस ले रही हूँ वो भी मेरी इस हथेली के अंदर हो, हथेली से बाहर ना हो। वो इवनिंग स्नैक का टाइम शाम 5 बजे के दरमियान एक चाय का कप मैं फैमिली के साथ इंजॉय करती हूँ, उसमें थोड़ी सी मज़े की चाय होती है 2% की मिल्की, और उसके साथ कभी कोई कुकी होती है, कभी कोई समोसा होता है छोटा सा, या अगर बेक्ड समोसे होते हैं जिसमें कैलोरीज कम हो जाती हैं, ज़्यादा फ्राइड भी ज़्यादा होती हैं, तो फिर बेक्ड समोसा होता है तो मैं मीडियम साइज़ का आराम से खा सकती हूँ समोसा। कभी थोड़ा सा छोटी सी प्याली होती है चना चाट की, कभी वो खा ली, कभी मैं पॉपकॉर्न्स खा लेती हूँ वो हो गया, या कभी मैं नट्स खा लेती हूँ, तो उन सब में सिमिलर कैलोरीज होती हैं मेरी। उसके बाद फिर टाइम आ जाता है रात के डिनर का, तो डिनर से पहले फिर 15 मिनट पहले जो प्री डिनर जो ड्रिंक है वो मैं पी लेती हूँ, हर्ब्स वाली जो ड्रिंक मैंने आपके साथ शेयर की थी 3 फैट बर्निंग ड्रिंक्स में। रात के टाइम पे या तो मैं खिचड़ी बनाती हूँ या मैं सूप बनाती हूँ, लेकिन वो इस तरह से बनता है कि मैं चिकन की बोन्स ले लेती हूँ, उनको मैं बॉईल कर लेती हूँ, फिर बोन्स को पानी से निकाल लेती हूँ, उसमें वो चिकन ब्रॉथ बन जाता है, बड़ा टेस्ट आ जाता है उन चिकन के बोन्स का, और उसके अंदर मैं बहुत सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ, उसके अंदर कभी एक चम्मच चावल का डाल दिया, कभी एक चम्मच दाल का डाल दिया 1 टेबल स्पून, कभी 1 टेबल स्पून जो है वो बीन्स के डाल दिए, तो इस तरह से बहुत मज़े का सूप बन जाता है, टमाटर धनिया सब चीज़ें मिक्स करके वो मैं इंजॉय करती हूँ सूप। और कभी उसी जो है वो सूप को थोड़ा सा गाढ़ा बना के खिचड़ी टाइप का भी बना के खा सकते हैं, उसमें आप लीमू डालें, उसमें आप हॉट सॉस डाल के खाएं, तो एक अच्छा टेस्टी बन जाता है सूप। अच्छा, उसके बाद मीठा मैं रात को डिनर के टाइम पर जो है वो डिनर के बाद ज़रूर खाती हूँ, स्वीट टूथ होता है ना आपका, वो मीठे की क्रेविंग, लेकिन सब चीज़ें खा रही होती हूँ, कभी मैं खीर खा रही होती हूँ, कभी मैं फ्रोज़न योगर्ट खा रही होती हूँ, कभी मैं आइसक्रीम का स्कूप खा रही होती हूँ, कभी जो है मैं वो मिनी गुलाब जामुन जो होते हैं अंगूरी गुलाब जामुन जैसे कहते हैं वो खा रही होती हूँ, लेकिन आपको ये नज़र आ रही हैं चीज़ें छोटी छोटी प्यालियाँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटा सा स्कूप होता है इतना कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना मिले। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें इंजॉय कर रही होती हूँ, और फ्रोज़न योगर्ट सब चीज़ें, लेकिन मॉडरेशन के साथ खाती हूँ, हर चीज़ खा रही होती हूँ, फिर भी मेरा वज़न कम होता है क्योंकि मैं वो अपनी कैलोरीज़ के अंदर खा रही होती हूँ। आई एम श्योर कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे इंतज़ार रहेगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप मेरी सारी वीडियोज़ देख सकें, और जो बॉक्सेस में वीडियोस नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।